दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये चिड़िया अपने घोंसले में जले हुए सिगरेट के टुकड़े को लाकर रखती है? और रखती है तो दोस्तों आखिर क्यों रखती है, आइए जानते हैं। दोस्तों, चिड़िया सिगरेट के टुकड़े को उठाकर अपने घोंसले में जमा करती है क्योंकि सिगरेट के टुकड़े में निकोटीन होता है जो कि कीटनाशक की तरह काम करते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से छोटे छोटे कीटाणु घोंसले में पैदा नहीं हो पाते, जिससे घोंसला और बच्चे सही सलामत रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक ट्रेन की कीमत आखिर कितनी ही होगी? क्या एक नॉर्मल इंसान भी ट्रेन खरीद सकता है? तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, पूरी ट्रेन को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला होता है इंजन। दोस्तों, ये इंजन ही होता है जो पूरी ट्रेन की बोगी को खींचता है। दोस्तों, इसके बाद दूसरा हिस्सा होता है कोच या फिर बोगी, जिसमें यात्री बैठते हैं। और दोस्तों, अगर बात करें कोच की, तो ट्रेन की एक बोगी को बनाने में लगभग 2 करोड़ का खर्च आता है और ये कीमत हर क्लास के हिसाब से बदलती है। दोस्तों, स्लीपर और एसी कोच के डिब्बों की कीमत में अंतर रहता है। वहीं एक सामान्य ट्रेन की बात करें दोस्तों, तो इसे बनाने में कुल 50 से 100 करोड़ का खर्च आता है। तो लीजिए, अब आप जान गए होंगे कि जिस ट्रेन में आप सफर करते हैं उसकी कुल कीमत कितनी होगी। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है या कभी ये जानने का कोशिश किया है कि एटीएम में आखिर टोटल कितने पैसे रखे होते होंगे? नहीं पता दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं। दोस्तों, एटीएम के अंदर कुल कितना पैसा रहेगा यह उसके शहर पर डिपेंड करता है। जैसे दोस्तों, दिल्ली में कोई एटीएम है और वहाँ पर कोई पॉपुलेशन है तो वहाँ पर बहुत हाईएस्ट पैसा रहेगा। और वहीं अगर बात करें किसी छोटे से गांव की, तो दोस्तों वहाँ पर पैसा कम रहेगा। दोस्तों, एक एटीएम में मैक्सिमम 88 लाख रुपए हो सकते हैं और मिनिमम दोस्तों 3 से 4 लाख रुपए हो सकते हैं। और वहीं अगर बात करें दोस्तों किसी छोटे से गांव की, तो वहां पर पैसा कम रहेगा। दोस्तों, आपने कभी न कभी तो सोचा ही होगा कि काश मैं अपने सपनों को दोबारा देख सकता, लेकिन यह पॉसिबल है दोस्तों। दोस्तों, जापान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी MRI मशीन बनाई है जो आपके सपनों को कैप्चर कर सकती है, और अगर आप चाहो तो उस सपने को उठने के बाद वापस फिर से देख सकते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन चाहेगा अपने सपनों को फिर से देखने का?